नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, रहमतुल्लाहि व बरकातहू। साथियों, मैं हूँ राजेश मिश्रा और आप इस समय देख रहे हैं मातृभूमि टीवी। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ हीरा गोल्ड कंपनी के बारे में। और साथियों, मैं आज अब मैं आपके सामने हाजिर हूँ तेलंगाना हाई कोर्ट की कुछ खास अपडेट्स को लेकर के। दोस्तों, जिस तरीके से कि मैंने पहले आपको बताया था कि 29 अगस्त की डेट मिली है, उसके बाद फिर ये डेट चेंज होकर के 30 अगस्त हो गई थी। लेकिन साथियों, अब एक न्यू अपडेट ये आ रही है कि 30 अगस्त से ये डेट चेंज होकर के अगले वीक के लिए ट्रांसफ़र हो गई है। यानी मंडे के बाद, मंडे से लेकर के अगले दिन तक कभी भी इसकी सुनवाई हो सकती है। और मंडे को आपको जो भी न्यू अपडेट रहेगी, जैसे कोई नई अपडेट आएगी, मैं आपको मातृभूमि टीवी पर सबसे पहले बताऊँगा। और दोस्तों देखिए, 30 अगस्त की डेट क्यों ट्रांसफ़र हुई है, क्योंकि 30 अगस्त के दिन जो बेल के मामले थे उस पर सुनवाई होनी थी, उस पर सुनवाई होनी है, और कंप्रोमाइज़ के मामलों पर सुनवाई होनी है, और फ्रेश मामलों पर सुनवाई होनी है। इसी वजह से 30 अगस्त की डेट जो है वो से ट्रांसफ़र करके नेक्स्ट वीक के लिए ट्रांसफ़र हो गया है। दोस्तों, मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ कि जो डेट्स हैं ये किस तरीके से ट्रांसफ़र होती हैं, ताकि आप जो कोर्ट की जो टेक्निकलिटीज़ हैं उसको आप थोड़ा समझ सकें। साथियों, कोर्ट में, कोर्ट जो काम करती है उनका अपना एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, जिसको बोलते हैं विशेष कार्य प्रणाली। वो कुछ इस तरीके से होता है कि इस समय कोर्ट के जितने भी मामले हैं टोटली ऑनलाइन हो चुके हैं। यानी आप यहीं पर बैठ करके इंडिया के किसी भी केस की, कोर्ट के केस की पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। सिर्फ आपको केस का नंबर मालूम होना चाहिए, संबंधित कोर्ट का पता होना चाहिए, तो सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं। इसी तरीके से जो कोर्ट्स होते हैं, चाहे वो सेशन कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, उसमें ऐसा होता है कि कल क्या काम होना है उसकी पूरी की पूरी जो प्लानिंग होती है वो कोर्ट एक दिन पहले डिसाइड कर लेता है, और वो 6-7 बजे तक पूरी तरीके से पता चल जाती है। इसी तरीके से कल क्या होने वाला है ये आज ही डिसाइड हो जाने की वजह से कोर्ट पूरी तरीके से उसको ऑनलाइन डाल देता है और पहले पता चल जाता है, ताकि लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। नहीं तो लोग कोर्ट पहुँच जाएंगे, उनका टाइम वेस्ट होगा। तो साथियों, इसी तरीके से हीरा गोल्ड के मामले का भी पता चल जाता है, और उसी जानकारी के मुताबिक कि अब ये मामला नेक्स्ट वीक के लिए ट्रांसफ़र हो गया है। और अगले हफ्ते में जैसे ही संडे के बाद जैसे ही कोई नई जानकारी आएगी, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा मातृभूमि टीवी पर। और दोस्तों, जो बॉम्बे हाई कोर्ट है, बॉम्बे हाई कोर्ट का जो ऑनलाइन डेट मिला था, अभी एकदम क्लियर डेट अभी भी नहीं मिली है, तो वो डेट भी जैसे मिलेगी वो भी मैं आपको मातृभूमि टीवी के माध्यम से तुरंत बताऊंगा। तो साथियों, यहीं से मैं आप सभी लोगों से लेता हूं विदा। तब तक आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, और देखते रहिए मातृभूमि टीवी। खुदा हाफिज़। जय हिंद।